कटनी में 5 बदमाशों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी पहले युवक के घर घुसे, फिर उस पर धड़ाधड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हत्यारे पहले युवक की बहन को उठा ले गए थे। वाक्या कटनी के उड़िया मोहल्ले का है, जहां 5 बदमाशों ने महेश वंशकार की हत्या कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि ये हत्यारे पहले उनकी बहन को उठाकर ले गए थे। जब इससे बात की गई तो इसने महेश की बहन और अपनी गाड़ी को महेश के घर छोड़ दिया। उसी दिन महेश और हत्यारों के बीच झगड़ा हुआ, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई। लेकिन शिकायत दर्ज करने के दूसरे ही दिन आरोपियों ने महेश के घर में घुसकर चाकू से उसकी हत्या कर दी। मृतक के भाई ने बताया कि पुलिस को इस मामले की सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। वहीं कटनी CSP विजय प्रताप सिंह ने कहा कि इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हत्यारों की तलाश भी जारी है। आज उड़िया मोहल्ला NKJ में महेश वंशकार नाम के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई है और उसको घायल स्थिति में अस्पताल लाया गया था, जहाँ पे मृत हो गया है। डेड बॉडी मर्फ्यू में रखी है। अभी हम लोग जांच में विवेचना में लग गए हैं, शीघ्र आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। विवाद इतना सा था कि हमारे घर में जो हमारी बहन है ना, वो 2-3 दिन से आ नहीं रही थी, कहीं चली गई थी। तो लड़कों लग से बात करके मैंने लड़के को बुलाया था, तो उन्होंने कहा भैया हम छोड़ देंगे, हम इसको रखना नहीं चाहते हैं। तो कल जो पार्क है अपना अम्बेडकर पार्क, वहाँ पर ला कर लड़के ने छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने के बाद जब हमने उनको आवाज़ मारा तो वो चले गए, गाड़ी छोड़ के गए। तो मैंने क्या किया कि मैं जो गाड़ी उठा के डायरेक्ट थाने गया। थाने में 2 साहब लोग थे, मैंने उनको पूरी बात बताई। सर ने बोला कि क्या ये क्या है, मैं बताया सर ऐसी ऐसी कंडीशन है, बताइए क्या है। वही ठीक है बेटा। तो मैंने वहाँ पर ये भी बोला कि सर कल सवेरे मैं अपनी बहन को ले आऊँगा तो मैं बताऊँगा। लेकिन इस्तेफाक से मेरे बड़े भैया की लड़की जो छोटी वाली, उनकी तबीयत खराब हो गई, तो मैं यहाँ पूरे दिन यहाँ रहा। छोटे वाले भाई को घर में घुस के 5 लोगों ने मारा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।